दोस्तों आज मैं आपके लिए पांच सबसे बड़ी खोज लेकर आया हूँ जिन्हें हाल ही के दिनों में खोजा गया, जिनके बारे में जानकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। डार्क ग्रीन आइसबर्ग। वैज्ञानिकों की माने तो अंटार्कटिका में इस ग्रीन आइसबर्ग की खोज काफी पहले की जा चुकी है, लेकिन असल में ये क्या चीज है उसकी जांच यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के कुछ वैज्ञानिकों ने की, जिनके अनुसार ये ग्रीन आइसबर्ग असल में पानी के नीचे मौजूद आयरन ऑक्साइड की वजह से ऐसा हुआ, जिसमें आपको बर्फ के ऊपरी हिस्सा हरे रंग का दिखाई देता है और उसका हल्का और गहरा रंग पानी में ऑक्साइड के कम और ज्यादा मात्रा पर निर्भर करता है। एंशिएंट टॉम्ब्स। ग्रीस के एक शहर में कुछ ही समय पहले 8 ऐसी कब्रों को खोजा गया जो कि करीबन 2300 साल पुरानी थी। बताया जाता है कि वो शहर ओलंपियास नाम की जगह पर था और ये करीबन उससे भी पुराना था जहां पर ये सभी कब्रें मिली, और जब इन कब्रों को खोदकर बाहर निकाला गया तो पता चला कि ये कब्र असल में यूनानी लोगों की थी, जिसे पुरातत्व विभाग के लोगों को एंशिएंट समय के लोगों के बारे में काफी ज्यादा जानने को मिला। प्री हिस्टोरिक आर्ट। 12,500 साल पुरानी इस पेंटिंग को 2020 में पहली बार कंबोडिया में खोजा गया, जो कि जंगल के उस हिस्से में मौजूद था जिसे पेड़ों की घनी आबादी ने सालों से वहां पर छुपा रखा था, जहां लोगों का आना जाना काफी कम था, जिसमें उन्हें इंसानी हाथों के निशान के साथ कई तरह के जानवरों को भी उस पर प्रिंट कर रखा था, जिसमें से कई पेंटिंग तो ऐसी थी जिनको समझ पाना काफी मुश्किल था। व्हेल स्केलेटन। थाईलैंड में कुछ लोग जब एक दिन मॉर्निंग वॉक के लिए बीच पर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर व्हेल का एक कंकाल दिखाई देता है जो कि काफी बड़ा कंकाल था। ये व्हेल यहाँ पर करीबन 5,000 सालों से दफन थी, लेकिन वो हिस्सा जहाँ पर ये मिली पहले पानी से भरा हुआ था। यही वजह है कि किसी का भी ध्यान उस पर नहीं पड़ा जब तक उस जगह का पानी ना सूख गया हो। बताया जाता है कि व्हेल की ये प्रजाति आज भी समुद्र की गहराई में मौजूद है। ब्लैक ओबेलिक्स। 2020 में इस स्मारक को खोजा गया जो कि किंग सेलामेड थर्ड का था, जिसको यहाँ पर 3,000 साल पहले रखा गया, जिसमें इसराइल के राजा किंग जेहू का जिक्र भी देखा गया है, जिसको पहले सिर्फ बाइबल में ही देखा गया था। बताया जाता है कि इस मॉन्यूमेंट में केवल किंग जेहू का नाम था और उनकी तस्वीर भी मौजूद थी, यहाँ तक कि उसमें उस राजा के कई ऐसे अचीवमेंट मौजूद थे जिनके बारे में तब से पहले कोई नहीं जानता था। दोस्तों मुझे इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी, पर आपको इसे लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा, इसीलिए वीडियो को जरूर लाइक कर दें और वीडियो के नीचे एक लाल बटन है उस पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना।